Okay, so just look at the freaking sunset. Oh my god. Best of me now, best of me now, best of me. कैसे ये स्कूटर भाई साहब कैसे किल स्विच है ये ऑफ है ठीक है ये ठीक है इसको ऐसे देखना पड़ता है हाँ तो गियर कैसे क्लच दबा के पहला दूसरा तीसरा किसको इसको न्यूट्रल जरूर कर लिया कैसे इसके ऊपर करके ये है ना ये हाँ हेलो हटो तुम्हारा हटने का मन नहीं कर रहा अरे मेरा हटने का मन क्या कर रहा ओह सो दिस इज द चेतक 1986 सो आई एम राइडिंग फॉर अ फर्स्ट टाइम ठीक है ये पहला गियर ठीक है It started first gear. Oh my god, the hand gear scooter I'm riding for a first time. Nice, yaar. Yeah, this is super new to me. That's why I'm riding very carefully. And this is the antique thing, the whole childhood of many people, I guess. इट्स ईजी मैं सोच रहा था ये बहुत डिफिकल्ट है चलाना तो थोड़ा सा चलाते हैं यहाँ पर भैया न्यूट्रल लग गया सेकंड गियर ठीक है सेकेंड गियर लेट्स टेक अ यू टर्न अरे आंटी एक्सेल 100 चला रही है अभी थोड़ा ना बहुत ज़्यादा बाइक की आदत हो गई है पावर टेस्ट करें मीटर ऑफ है नहीं तो पावर टेस्ट हो जाता नाइस यार मज़ा आया वो कुछ डिफरेंट लग रहा आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी अपना बजाज अपना बजाज तो आज हमें कर रहे हैं ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर और उसमें एक ही इशू है कि आज ही हमारा मीटअप है तो भैया 350 किलोमीटर कर रहे हैं बाद कोई रेस्ट नहीं मिलेगा उसके बाद सीधा मीटअप हमें जो है संभालना है मैनेज करना है हाँ आफ्टर दैट कल सुबह भी आई थिंक सो राइड है नाउ अब मैं पता कब फील रिलैक्स करूँगा कि हाँ चलो हो गई जब मैं गोवा पहुँचूँगा गोवा पहुँचने के बाद मतलब गोवा बेलगाम ये यहाँ पे जब पहुँच जाऊँ ना फिर मैं चिल हो जाऊँगा हाँ ठीक है ये तो करा हुआ है यहाँ पे रिलैक्स मामला है अभी पता नहीं है कितना स्ट्रेच करना है कहाँ पे अच्छी चीज़ आएगी अच्छी रोड आएगी जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ तो दैट थिंग सबका अलग अलग राइडिंग स्टाइल होता है मैं उनमें से हूँ जिनको अगर रास्ता पता है या ब्लॉग में भी देखा हो रहा लाइक यहाँ पे अगर ज़्यादातर ब्लॉग बनते तो वो रीजनल ब्लॉगर के बनते हैं और आपको रीजनल लैंग्वेज में कुछ समझ में नहीं आएगी तो दैट द थिंग बस ये मौसम वाला मौसम ही तो चाहिए था बस बारिश आए और मौसम ऐसा रहे लिटरली ये बहुत प्यारा वेदर है राइडिंग के लिए और मैं जब साउथ आ रहा था मैंने लिटरली सोचा था कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे गर्मी मिलेगी इस मंथ में भी बट लिटरली आई एम फीलिंग कोल्ड गाइस जस्ट लुक एट द व्यू माउंटेन देखो इतना प्यारा लग रहा है वाला सामने थोड़ा सा इस पे फॉग है द इनक्रेडिबल इंडिया इज हियर
मेरे पे को एक रील शूट करनी थी हायाबुसा पे, दिस इज़ द मेन रीज़न आई एम हियर ओनली एंड या। तो अभी जो है 200 किलोमीटर प्लस बचे हैं, लेट्स गो। हाँ बेटर, मच बेटर। वन 90 किलोमीटर ये दिखा रहा है, नहीं 231 इसकी भाई साहब। Just look at this beautiful vibe around me, this mountains. मेरे को थोड़ी बिल्कुल हिमाचल की याद आई। बता ऐसे फ्लाई ओवर है वहाँ पे, देखो अब कंपेरिजन तो होगा जो मैंने पहले देखा है और उसको अब दिखाऊंगा, तो कंपेरिजन तो थोड़ा सा तो होगा ना। You know one thing I love about this place, बहुत ब्यूटीफुल शानदार हाईवे। इवन सारे बोलते हैं नॉर्थ के हाईवे बहुत अच्छे हैं, राजस्थान के हाईवे अच्छे हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा साउथ के हाईवे एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं। और मेरे को सबसे ऑड हाईवे जहाँ पर लगे ना, वो मेरे को जो है जाते हुए कहा कोलकाता जाते हुए लगे आज तक अपनी लाइफ के। किंग प्लेस वेर दिस भाई साहब एक्सप्लोर करो तो ऐसे करो वरना ना ही करो। जस्ट लुक एट द प्लेस, द ब्यूटीफुल साउथ। ओके सो जस्ट लुक एट द फ्रीकिंग सनसेट, ओह माय गॉड। एंड आई एम विद द भूसा, और क्या ही चाहिए मेरे को, लिटरली क्या चाहिए। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स, मतलब पहले जो है इस साल में अपवर्ड्स करा, मतलब ले गए। नाउ आई एम गोइंग टू द कन्याकुमारी, दिस इज जस्ट जैसे कहते हैं अचीवमेंट इन एज ऑफ 21। मैं बार बार बोलूँगा बिकॉज इट्स अ बिग डील भैया। ये तो और तगड़ा पहाड़ लग, ओ शिट, ये तो और तगड़ा लग रहा है। तो मैं अभी लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, यहाँ पे छोटा सा गेट टुगेदर है, यहाँ से हम सीधा फिर मदुराई चलेंगे। बट द बेस्ट थिंग अबाउट साउथ राइट नाउ, ये डे लाइट, अभी एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं और जो ये जो डे लाइट है ना, बस इसी को देख कर अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोलकाता के साइड ना सबसे ज़्यादा जल्दी सनसेट हो रहा था, तो ना फिर थकान भी ऐसा अभी ना एक्टिव सा लग रहा है, वरना वहाँ पे तो 6 बजे ऐसा लगता था कि 10 बज गए। तो अभी सबका वेट कर रहे हैं, सब आते हैं और उसके बाद कहाँ होटल चलते हैं, फिर कल हम जाएंगे कन्याकुमारी। तो फाइनली रीच एट द प्रॉपर्टी, एक अच्छी बात है, बट बिकॉज अभी लेना नहीं है कुछ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं पहले भी नहीं लेता तो काम चल रहा था, बिकॉज बिल्कुल सामने रिलायंस मार्ट है, और भी देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेकआउट करता होंगी, तो थोड़ा सा ना अभी 6:30 हुए जल्दी चेक इन करके ना थोड़ा वॉक, सामने चर्च भी है अपना। दिस ऑन दिस ब्यूटी, मैं थोड़ी सी चलाई एंड आई लव इट, आई लिटरली लव इट, द मोर बाइकर्स आर कमिंग, द पॉइंट इज दिस इज जैसे कहते हैं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ओवर हियर। चल दो, यस आई सी, आई आर यू सीइंग समथिंग, पुराना वाल, पुराना वाल, यस यस, यू हैव टू अर्न इट, आई हैव 4, ठीक है। हां आई वाज देयर गोवा टू दिल्ली, हां ठीक है।